गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारा जो टॉपिक है वो रजिस्टर चल रहा है और यहाँ हम अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम आपको प्रैक्टिकली कुछ समझाना चाहेंगे। मतलब रजिस्टर का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसके रजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए हमको जो है कलर कोड जो है मल्टी कलर बैंड टाइप का रजिस्टर होना चाहिए। एक कार्बन प्रतिरोध की आवश्यकता है। किसकी? एक कार्बन प्रतिरोध जो कैसे हो, जिसके जो कलर बैंड टाइप का रजिस्टर हो, ठीक ना, उसमें कलर जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह के रजिस्टर की आवश्यकता है। और उसके लिए हमको आवश्यकता है एक मल्टीमीटर की, और उसमें हो सके तो इस तरह की प्रॉब हो तो ज़्यादा सही रहेगा। ये क्रोकोडाइल जॉ टाइप की प्रॉब है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम आपको प्रैक्टिकल में समझाएंगे कि जैसे एक मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में ये कॉमन पॉइंट हो गया और ये जो हो गया उसका ओम मीटर चेक करने वाली जगह हो गई, और इधर पर अगर हम कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इधर कोई मैच स्टिक से यानी कि माचिस जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो इसके रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता, पहले क्या रहता बाद में कैसे हो जाता, ठीक ना। तो ये मल्टीमीटर हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। ये ओम की वैल्यू में सेट है, इधर ओम की वैल्यू है। अब दोस्तों हमको जो है तो ज़रूरत पड़ेगी एक कार्बन प्रतिरोध की, तो हमारे पास है ही मल्टीमीटर की। इस प्रयोग को करने के लिए मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, कार्बन प्रतिरोध की और एक माचिस की, मतलब फायर के लिए माचिस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना दोस्तों। ये उसका डायग्राम हो गया, यहाँ पर एक मल्टीमीटर है, फिर वहाँ पर एक कार्बन प्रतिरोध लगा देंगे इसके प्रॉप के साथ में। ये प्रॉप कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, प्रॉप। तो प्रॉप के साथ में इसमें कार्बन प्रतिरोध लगा देंगे, ठीक है ना। अब कार्बन प्रतिरोध है ये कैसा है, ताप बढ़ाने से इसके रेजिस्टेंस बढ़ता या घटता, हम इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए हमको चाहिए एक कार्बन प्रतिरोध, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो ये कार्बन प्रतिरोध कुछ इस तरह का 4 बैंड का कार्बन रेजिस्टेंस है। पहला इसका जो पट्टी है वो येलो है, हमने कल बताया था कि जो अंतिम पट्टी है उसको वो उसके विपरीत सिरे से, यानी कि जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के अलावा जो दूसरा सिरा होता है तो लास्ट वाला कहलाता है गोल्ड सिल्वर। और फिर यहाँ पर दूसरा बैंड है आपका दोस्तों वायलेट है, और फिर येलो है, तीसरा बैंड फिर येलो है, चौथा गोल्ड है, ठीक ना। ये येलो है, बाई है, और ये बाई है। तो दोस्तों जो हमारा कलर कोड वो होता है, कलर कोडिंग सारणी होती है, तो ये कलर कोड सारणी हम यहाँ पर आपको थोड़ी सी बना के दिखा देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट बैंड के लिए, सेकंड बैंड के लिए, थर्ड बैंड के लिए, और ये फोर्थ बैंड के लिए, ठीक ना दोस्तों। ये फोर्थ बैंड यहाँ पर आएगा, तो यहाँ बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक ना दोस्तों, 10। और फिर यहाँ गोल्ड और यहाँ सिल्वर, ये लास्ट बैंड के लिए है, ठीक है ना। तो गोल्ड सिल्वर में चौथे बैंड में प्लस माइनस 5 होता है गोल्ड में, और सिल्वर में प्लस माइनस 10% होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम आपको पहले बैंड में लेके चलते हैं, 0, फिर ये पहले बैंड में 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक 9 तक होता है। अब सेकंड बैंड में भी सेम डिजिट चलती हैं 4 5 6 7 8 9 ठीक। और थर्ड डिट में क्या होता है, 10^0 यानी कि 1 हो जाए, 10^1 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 10^7 10^8 10^9 ठीक ना। और चौथे बैंड के लिए मैंने पहले से लिख ही दिया है। तो पहला बैंड में येलो है, तो येलो कहाँ पर है दोस्तों, येलो है, ये इसका हो गया, ये इसका और ये इसका, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर दूसरे बैंड में क्या है, वायलेट है, तो वायलेट हम चलते हैं दूसरे में, 7 है, हम 7 लिख देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितना है तीसरे बैंड में, फिर येलो है, मतलब कितना लिख देंगे, कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10^4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना दोस्तों। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारी आ गई 470 किलो ओम की वैल्यू आ गई, अब प्लस माइनस 5 ओम हो गया, ठीक। ये कैसे 470 आ गया, इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। तो 4
सेवन एक जीरो इससे उधार ले लेंगे यहाँ से, तो ये 10^3 कितना हो जाएगा, 10^3 जिसकी वैल्यू के में होती है, मल्टीप्लाई बाई 10^3 हो जाएगा जिसकी वैल्यू के होती है। इसलिए 470 के ओम का ये रजिस्टर है। चलिए हम आके चेक कर लेते हैं हम इसको, तो इसको हम जब चेक करेंगे तो देखिए इसको मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। ये पैसिव कंपोनेंट होता है हमारा, ये कलर कोड रजिस्टर, ऐसे इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है, पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके इसमें कोई डायरेक्शन का दिक्कत नहीं होती है, किधर भी आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। अब देखिए ये इसीलिए मैंने इसको क्रोकोडाइल जॉ टाइप क्या प्रॉब लिया था, ताकि इसको क्लिप करने में आसानी रहे, ठीक। बाकी आप उससे भी कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको, अभी तो ये हमारा ऑफ में फिक्स है, फिर ये 20 मिलियन वाला यहाँ पर 20 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस होता है, तो हम यहाँ करेंगे तो ये यहाँ पर अभी उस तरह की वैल्यू तो नहीं दे पा रहा, क्योंकि 20 मेगा ओम में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो ये हम यहाँ पर इसको लेके आते हैं। तो ये कितना 470 के का है, तो ये कहाँ तक है, 200 के का है, मतलब इसकी रेंज 200 के तक की है, तो इसके हम ऊपर यानी कि 2 मेगा ओम की जगह पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 0.477, मतलब कि यहाँ पर हम मल्टीमीटर से जब हम चेक करते हैं तो 0.477 के ओम इसकी वैल्यू इतनी ही है, ठीक है ना दोस्तों। 0.477 या कि 0.476 लगभग वही चीज़ें हैं। अब 5+5% का टॉलरेंस भी होता है, तो ±5% ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे इसमें ये बढ़ेगा कि घटेगा। तो अभी कितना है, 477,000 ओम अभी इसकी वैल्यू है, ठीक ना दोस्तों। अभी आप देख पा रहे होंगे 477,000 ओम की वैल्यू है। तो अब ये कार्बन प्रतिरोध में टेम्परेचर बढ़ाने पे इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हमको ज़रूरत पड़ेगी एक माचिस की, यहाँ पर है, प्रयोग को ज़रा सावधानी से करें ताकि माचिस वगैरह से कोई दिक्कत ना हो। तो इसको हम थोड़ा इधर रख लेंगे ताकि उधर नीचे कागज़ है तो उसमें आग ना लगे, ठीक ना दोस्तों। अभी इसकी वैल्यू पॉइंट आपको मल्टीमीटर पे अच्छे से दिख पा रही होगी, ठीक है। अब चलिए हम इसको माचिस से हम जला के इसके नीचे लेके जाते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू में क्या परिवर्तन हो रहा है, आप इसकी वैल्यू देख पा रहे होंगे कहाँ तक पहुँच गई, ये देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू काफ़ी नीचे डाउन हो गई है, ठीक। तो हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता तो इसकी वैल्यू घटने लगती है, मतलब यह जो कार्बन प्रतिरोध होता है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी वैल्यू कम हो गई। अब टेम्परेचर जैसे ही इसका टेम्परेचर जैसे ही अब घटने लगा तो वह अपने प्रीवियस वैल्यू में मेक ओवर होने लगा, ठीक है। अब ये जो है तो अपनी प्रीवियस वैल्यू में सेट होने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यही बस प्रैक्टिकल है, बहुत साधारण सा प्रैक्टिकल है कि जो हमारे कार्बन प्रतिरोध होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने में उनका जो वैल्यू होती है ओम की वैल्यू होती है वो घट जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है, ठीक ना दोस्तों। ये हमारा जो हमने प्रैक्टिकल पे सीखा, हमने यह सीखा, यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ, नोट, कार्बन प्रतिरोध क्या है, कार्बन प्रतिरोध कलर बैंड टाइप में NTC होते हैं, क्या होते हैं NTC होते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और प्रैक्टिकली हमने सीखा, क्या सीखा हमने, पाया 477 ओम का अगर रेजिस्टेंस है और अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम होके कितना पहुंच जाता है, 395 और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो तो आपके ऊपर, ये तो डिपेंड होता है किसके ऊपर, अपने टेम्परेचर के ऊपर। तो अब देखिए पुराने वैल्यू पे आके शिफ्ट हो चुका है अपने प्रीवियस वैल्यू पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमारा जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो NTC होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। आपके पेपर में भी यदि आता है कि जो हमारे कलर बैंड टाइप के रजिस्टर कार्बन प्रतिरोध होते हैं
तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनके रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मगर दोस्तों जो चालक होते हैं, जो अभी मैं आपको एक शॉर्ट टाइप में बता दूं, फिर हम इसका भी प्रैक्टिकल करवाएंगे, जो भी चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, जिससे लाइट हमारे घरों पे आती है, वो चालक चाहे ACSR कंडक्टर हो, ACAR कंडक्टर हो, AAR हो, जो भी कंडक्टर होते हैं उनके, वो जो होते हैं PTC होते हैं, मतलब जैसे भी जैसे जो जो शुद्ध, ये देखिए ये जो कॉपर एल्यूमिनियम ये सारी चीज़ें होती हैं ना, जो इनके कंडक्टर चालक होते हैं ये PTC होते हैं, जबकि ये जो है तो NTC होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, इन द सेंस टेम्परेचर बढ़ाने में इनका जो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मगर ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने में इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये शॉर्ट में ये चीज़ें समझ में आई होंगी और भलीभांत समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, बस हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए अपने अगले दोस्तों को, ताकि हम आपको अगला प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपको समझाते रहें इसी तरह से ही। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद, जय हिंद।